अगर वाकई आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है, तो क्या आप बता सकते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोला जाए, जहां आप कहते हैं आप कुछ खा लीजिए या आप कुछ खा लो, आप आराम कर लीजिए या आप आराम कर लो, आप यहाँ बैठ जाइए या आप यहाँ बैठ जाओ। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं आप कुछ खा लीजिए या आप थोड़ा आराम कर लीजिए, आप यहाँ बैठ जाइए को कैसे बोलेंगे? आइए मैं आपको देता हूँ 5 सेकंड्स और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया या गलत। यहाँ आपका टाइम शुरू होता है। इस तरह के सेंटेंसेस को आप 2 तरीके से बोल सकते हैं। पहला, अगर आपको कहना हो आप कुछ खा लीजिए या आप कुछ खा लो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू माइट ईट समथिंग, यानी आप कुछ खा लीजिए या आप कुछ खा लो। अगर आपको कहना हो आप ये किताब पढ़ें, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू माइट रीड दिस बुक, यानी आप ये किताब पढ़ें। आप वहां जाएं, यू माइट गो देयर, आप अंग्रेजी सीखें, यू माइट लर्न इंग्लिश। आप यहाँ बैठें, यू माइट सिट हेयर, आप इसे खाएं, यू माइट ईट दिस। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं कि आप ये काम करें या आप यहाँ बैठें, आप यह काम करें या आप ऐसा करें, आप वैसा करें को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। यानी आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे माइट, उसके बाद आप एक बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कि आप सोचे बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसा आप जानते हैं इन्फिनिटिव मीन्स 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है इन्फिनिटिव विदाउट टू, यानी वो इन्फिनिटिव जिसके पहले टू नहीं आता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप इस तरीके से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो आप यहाँ बैठे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सिट हियर। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो आप इंग्लिश सीखें, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लर्न इंग्लिश। यानी यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट को नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। आप इसे खाएं, ईट दिस, आप वहां जाएं, गो देयर, आप हमेशा सच बोलें, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, आप किसी डॉक्टर की राय लें, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कंसल्ट अ डॉक्टर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात शानदार तरीके से समझ में आया कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। जो तरीका आपको ज्यादा बेहतर या आसान लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। यह मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक कंप्लीट लर्निंग चाहते हैं, तो आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।